आप सबको नमस्कार। तो पहले मैं हमारे कल शाम में हमारे शिवकुमार शटकर ज्वाइन करे मंठाल में, तो उनको मैं स्वागत करता हूँ। और आज हमारे सिद्धराम अप्पा कामना ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बेलूर के, और हमारे रवि कोलकूर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके पहले हमारे शिवकुमार बिरादर ज्वाइन करे, फिर राजा रेड्डी भी ज्वाइन करे कल, तो सभी लोग ज्वाइन करे। इसके बाद सोचने वाली बात क्या है बोले तो, ये सब लोग ऑर्डिनरी वर्कर नहीं है, सब एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं। हाँ, हमारे जिम्मेदार लीडर है हमारे तालुका के, और वो सोच समझ कर और बहुत साल से बीजेपी में रह चुके लोग हैं, है ना। आप तीन लोग बीजेपी में हैं, आप इंडिपेंडेंट भी कर रहे थे, तो लेकिन एक सिद्धांत पर चलकर और एक कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्ट रखकर काम कर रहे थे। तो आज अगर वो छोड़कर आ रहे हैं बोले तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम होगा, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो ये बात अब बहुत सारे लोग जो उनके पास है वो लोग भी सोचना चाहिए अब, है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इनको वेलकम करता हूँ, और हमारे पार्टी को और मुझको पर्सनली भी, हमारे पार्टी को पर्सनली मुझको भी बहुत बड़ा ताकत मिला है। उससे पहले गुंडो रेड्डी साहब भी ज्वाइन करें, तो उनका फर्स्ट उन्होंने आए इधर, उन्होंने फिर बाद में वो ट्रेन के जैसा चल रहा है गाड़ी तो कंटिन्यूसली लोग आना शुरू करे हैं। मैं ऑलरेडी एमएलए साहब विजय सिंह बोल के डाले उसको, एमएलसी रहे सो निकल दे सी कर दे उसको, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है, और आप लोगों को भी मालूम है, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, सब तरफ वो क्या लास्ट दो साल में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप लोगों को भी मालूम है, उसके बारे में हम दोहराते नहीं। अब आ गया है टाइम, अभी 10-15 दिन में अब सीधा बताना है। अब हमारा को जो भी गुस्सा है हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को और हमारे वोटर्स को बोलता हूँ, वो अब गुस्सा वगैरह क्या भी करना नहीं है, ठंडे दिमाग से काम करना है 15 दिन, और गुस्सा क्या भी बताना है तो 10 तारीख के दिन बताना है, और वो 10 तारीख का जो गुस्सा आपका है वोट डाल के बताना है, और 13 तारीख को उसका रिजल्ट वापस आए बाहर, है ना। और किसी को, और एक बात क्या है, क्योंकि कोई लोग ये लोगों को थोड़ा धमकी दे रहे हैं वगैरह बोल रहे हैं, अब इतने लोग सब साथ में बैठे, वो धमकी से और कोई डरने का क्या, कोई तो मेरे को क्या लगता नहीं कि वो डरेगा, और जो धमकी देने वाला ही डर गया, अब जो धमकी देने वाला है वही डर गया, वो डर के धमकी दे रहा सबको अब, है ना। तो इसीलिए हमको आपको कुछ नहीं करना है, हमको शांति से बहुत क्या बोलते हैं सब्र से काम करना है। तो आप लोग सब, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग थोड़ा और मेहनत करके करो, बस उतना ही है। अब इतने सब लोग हैं, और हमारे पूरे पुराने कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग मिलके अगर काम का जो कोऑर्डिनेशन में काम करें, 100% हम ही इलेक्शन जीतेंगे, इसमें क्या डाउट ही नहीं है। तो अब सब लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोग आ रहे, ये लोग और जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये मतलब एक अच्छे स्वभाव के लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में कुछ लोगों के लिए काम करना बोल के आए वाले वैसे लोग हैं। ऐसे लोग कोई भी, हम कोई भी ज्वाइन कर रहा बोले तो ले रहे नहीं है, कौन अच्छे लोग हैं, सिद्धांत से लोग हैं कौन हम। मैं और एक बात बोलता हूँ, कौन भी हमारे पास आ रहे हैं ना, मैं उसको बोलता हूँ अभी 2 दिन सोच के आओ बोल के, तो वो लोग ही बोल रहे नहीं सर आज ही ज्वाइन करते बोलते हो ना हमारे को। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, कोई भी जब आते हैं अगर उसको थोड़ा डाउट लगता है, मैं बोलता हूँ नहीं कुछ क्या जल्दी नहीं है, आप सोच समझ के आओ, लेकिन एक बार जब हमारे पास आते तो जिंदगी भर के लिए आना, सिंपल बात है हमारा, है ना। तो इसीलिए, और वो लोग भी सोच समझ के आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत है, हमारे साथ जो काम करने का उनको तरीका है, वो सब उनको पसंद आकर हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार, और मैं कभी भी आप लोगों का आभारी रहूंगा बोल के इस मौके पे कहना चाहता हूं। बस हम लोग सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, हम लोग ये करेंगे, और हमारे को अब बेलूर में, मंठाल में, हमारे CMC में, आप लोग दो लोग CMC से है, उन्होंने मंठाल से, सब तरफ, और ये लहर सब तरफ जाएगा, एक ही नहीं, हाँ उन्होंने भी अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग, माताएं वगैरह आए हैं उनके साथ सपोर्ट बताते हुए, और कल मंठाल में भी प्रोग्राम हो गया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया वहाँ पर भी,
तो ऐसा वो भी कल आप लोग आए थे लगता है मेरे को, है ना, तो आए थे वहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स से ज़्यादा लोग कितने आ रहे हैं आप देखें, नॉमिनेशन के टाइम से देख रहे हैं आप, लोग आ रहे हैं, लोग सिर्फ आकर ठंडे नहीं हैं, लोग जोशीले हैं, तो ये बार चेंज चाहिए बोलकर ये लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बार 100% चेंज होगा बोल के भी हमको मालूम है। तो मगर भी सबसे बड़ा बात क्या है बोले तो, एक बार इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतने के बाद लोगों के साथ जुड़ के लोगों का काम करना है, वो और बड़ा लक्ष्य है बस। ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿಲ್ಲತರ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಅವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ, ನೀವು ತೈಕಿಕಾತ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಆರೋಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. 40,000 ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ನಾ ಹೇಳತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಅವರು 30,000 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಾರಂತೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 20,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ. 3,000 ಮತ್ತೆ ಏನ 3 ಲಾಖದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತಾರೋ ಓಡಾಟ ತೇರತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ, ಇಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ್ರೆ ಹಜಾರೋ ಸಂಖ್ಯೆದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೆಪ ಅದು ಒಂದು, ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ.